शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा का बेल होने के बाद बाहर निकल चुके हैं। तस्वीरें सीधे सिवान मंडल कारा से देख सकते हैं। हुजूम जो समर्थकों का किस बरगर से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत उनका देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं, फेस न्यूज पे सबसे पहले देख सकते हैं आप। देख सकते हैं ओसामा साहब बाहर निकल चुके हैं। इसी गाड़ी में जो है ओसामा साहब है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। ये परिवार राजनीतिक है और बिना उनके परिवार के राजनीति सिवान का कोई राजनीतिक है ही नहीं है। वही राजनीति कर सकते हैं और उन्हीं के चाहने वाले लोग हैं। बिन बुलाए, बिन आवाज दिए, बिन कहीं बिना किसी मैसेज के सारे लोग आप देख रहे हैं कि कितने लोग जुटे हुए हैं, आज जमे हुए हैं। इस सर्दी के मौसम में कोहरा है, कुहासा, उसके बाद भी बेतिया, मोतिहारी, दरभंगा, शेखपुरा, पटना, छपरा, गोपालगंज से लोग आए हुए हैं। इसका इससे क्या मतलब होता है? इसके मतलब उनके चाहने वाले हर जगह लोग हैं, लोग आए हुए हैं उनके मोहब्बत में, उनके इस्तकबाल के लिए। इतना भीड़ देख के क्या लगता है शहाबुद्दीन साहब का याद जो है ताज़ा हो रखा है? देखिए, शहाबुद्दीन साहब का याद उनके चाहने वाले हमेशा ताज़ा रखते हैं, उसमें कहीं इबट की बात नहीं है। हमेशा उनके सामने शहाबुद्दीन साहब का शक्ल, जब ओसामा का याद नाम याद आता है हेना साहब का, तो शहाबुद्दीन साहब दिखाई देते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर सारे लोग हैं। उनके आज के उनके जो युवा पीढ़ी है जो उनको देखा भी नहीं है, उनके नाम पर फिदा है और मरता है और मरता रहेगा। जिस तरह से हिना साहब बिहार दौरे पे निकली हुई थी और तमाम जो जिले में जा रही थी और उनके साथ जो भारी हुजूम दिखाई दे रहा था, क्या लगता है कि अभी जो साहब के जो लड़के हैं उनके जो पीछे इस तरह से दीवानगी दिखाई दे रही है? बिल्कुल लोग रहेंगे भविष्य में जो है, जो उनके चाहने वाले को नहीं लगता है कहीं टूट हुआ है, अटूट मोहब्बत है और वो लोग रहेंगे। सोशल मीडिया पे लगातार आवाज उठ रहा है कि जेल का फाटक टूटेगा, ऐसा कहीं कोई आवाज आप गलत बोल रहे हैं कि जेल का फाटक टूटेगा? नहीं, नो, नेवर। फेसबुक पे देखिए, अरे फेसबुक पर जो कुछ कहने वाले लोग हैं बिना दिमाग के लोग बोल देते हैं जेल का फाटक टूटेगा, ये गलत बात है, इलीगल बात है, इसकी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं जी ना, ये गलत है। जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया से होगा और हुआ है और न्यायालय पे विश्वास है। बिल्कुल, अरे भाई आप देख रहे हैं कि हम वकील हैं, न्यायालय पे विश्वास नहीं करते, हम वकालत करेंगे जी। न्यायालय ऐसा कमेंट करना गलत है, बिल्कुल गलत है, उस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, इससे ताकि जो है लोगों में जो है अलग भावना जो है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। अब क्या कहिएगा, किसका किसका मुंह रखिएगा, कोई बोल देता है तो अब उसके लिए वहाँ पर कोई है कि बोला रोका जाए। अच्छा, क्या लगता है चुनाव लड़ेंगे?
कौन चुनाव लड़ेगा? उसामा साहब या हिना साहब? अरे हिना साहब क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे यार, लोग छोड़ेंगे उनको नहीं लड़ने से? लड़ने के लिए तो बिल्कुल किस पार्टी से? अब पार्टी तो समय आएगा तब देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे और खान भाई क्या कहें, खान भाई आप सुबह से आए हुए हैं, कुछ बोलिए, दो शब्द बोलिए खान। दो शब्द, उसामा साहब के लिए हम लोग आए हुए हैं और उनको सपोर्ट के लिए पूरा जाता देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं ना, पूरा जाम लगा हुआ है उन्हीं के लिए। सुबह से लोग आ रहे हैं हर जगह से। हाँ, कब तक निकल जाएंगे? वो जेल प्रशासन का कुछ मैनुअल अपना कुछ प्रोग्राम होगा अपना, उससे प्रोसेस से निकलेंगे। जितने देर में निकले जल्द से जल्द हम लोग के बीच होंगे। देख सकते हैं तस्वीर इधर दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार सुबह से ही जो है जेल गेट पे भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठा हो चुके हैं, दूर दूर से लोग आए, दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे किस तरह से जो है गोपालगंज मोड़ का दृश्य है, पूरा जाम हो चुका है यहाँ पे। देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, दिखाने का कोशिश करेंगे कितना दूर दूर। देखिए यहाँ पे लोग जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाने का कोशिश करेंगे। हाँ, इधर देखिए किस प्रकार से सुबह से ही जेल गेट पे जो है भारी संख्या में उनके समर्थक हैं और यहाँ पे जो है उनके इंतजार कर रहे हैं आने का, बस कुछ ही देर में जो है वो बाहर आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।